मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। यह प्रेस वार्ता आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, क्योंकि तीन मुद्दों को यहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से खास करके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कुछ और नेता हैं, कांग्रेस, राहुल गांधी, वो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके वैक्सीन को लेकर, टीका को लेकर, उस पर कहीं न कहीं आज तथ्य रखने की आवश्यकता है। तीन विषयों को मैं स्पर्श करूंगा, आई बी टचिंग थ्री पॉइंट्स। नंबर वन, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान ने टीका नहीं दिया और 6.5 करोड़ टीके जो हैं एक्सपोर्ट कर दिया, विदेशों को दे दिया, इस विषय पर जो हकीकत है मैं आज पटल पर रखूंगा। दूसरा विषय यहां बार बार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दी जाए और बाकी सारी कंपनियों को कहा जाए कि वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें, इससे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा और सुविधा हो जाएगी। और अगर केजरीवाल जी के शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मूला को डिक्लेयर कर देना चाहिए, उस पर भी मैं कहने वाला हूं। और तीसरा विषय, आम आदमी पार्टी के ये जो चिट्ठी खेल हो रहा है और जिस प्रकार का झूठ वो बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उस पर भी खुलासा करूंगा। मगर सबसे पहले जो तकनीकी विषय है उन दोनों को मैं स्पर्श करूंगा, कॉमर्शियल लाइसेंसिंग और एक्सपोर्ट क्यों हुआ। कल तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए, हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था, अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो दो कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1.07 करोड़ आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। वो किस प्रकार से लायबिलिटी है और एड किसको हमने दिया है, आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सब ध्यान से सुने। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को, जो हमारे देश के आसपास जो 7 देश हैं, जो 7 मुल्क हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हमने एड दिया। और कितना एड दिया? 78.5 लाख डोजेस। इन 1 करोड़ से थोड़े अधिक जो डोजेस हमने एड के रूप में दिए, उसमें 78 लाख डोजेस हमने अपने देश के आसपास के देशों को दिया। उस पर भी आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि क्या आवश्यकता है बांग्लादेश को देना, क्या आवश्यकता है बाकी देशों को देना। देखिए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिप्लोमेसी के साथ साथ ये एपिडेमियोलॉजी भी है। कैसे एपिडेमियोलॉजी है? अगर आप अपने देश के आसपास के देशों की सुरक्षा की चिंता भी करते हैं, थोड़ी बहुत चिंता करते हैं, उनको मदद करते हैं, तो ये वायरस जो बाउंड्रीज नहीं जानता है, ये वायरस जो सरहदें नहीं जानता है, आप अपने देश और अपने देश के जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एड, ये जो ग्रांट है, केवल 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ये बनता था। दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख 1 करोड़ समथिंग, 78 तो हमने इनको दिया, बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स को क्यों दिया? आपको जान के खुशी भी होगी और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया। 6,600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के जवान हैं, वो आज सरहद से दूर, हमारे देश के सरहद से दूर, संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था, तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रहकर भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। क्या ये गलत है? हम नहीं मानते ही ये गलत है। अब आते हैं
ये जो एड दिया गया ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16% था, अर्थात लगभग 1 करोड़ डोजेस। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। दो प्रकार की लायबिलिटीज होती है, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लायबिलिटी। कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या है? कॉमर्शियल लायबिलिटी है ये दो कंपनी भारत की जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन, कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक, इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। और जिन देशों से ये रॉ मटेरियल लाते हैं, आप देखिए कोई भी वैक्सीन बनता है, कोई भी उत्पाद बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं, उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे, अर्थात हम पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे। ये तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है, आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अनिवार्य है। ये किसी की भी सरकार हो, ये जो हस्ताक्षर आप करते हैं, जो कंपनीज हस्ताक्षर करती है, जो एडवांस पेमेंट लेती है, उसके एवज में उनको देना ही पड़ेगा। दूसरा जो लायबिलिटी है, दूसरी लायबिलिटी है आपकी लाइसेंसिंग लायबिलिटी। लाइसेंसिंग लायबिलिटी होती है केवल SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन के लिए नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन भारत का ही कंपनी है और भारत बायोटेक भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उसका लाइसेंस बाहर से नहीं आया है। कोविशील्ड के लिए जो SII ने लाइसेंस लिया है वो एस्ट्राजेनिका से लिया है, ऑक्सफर्ड का लाइसेंस है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये लाइसेंस बाहर से आता है तो आपको बाहर कुछ भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है? कि WHO कोवैक्स फैसिलिटी बनी है, संयुक्त राष्ट्र की जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक कोवैक्स फैसिलिटी बनी हुई है और भारत ने 30% अपना वैक्सीन लाइसेंसिंग लायबिलिटी के अंतर्गत कोवैक्स फैसिलिटी को भेजा WHO में। क्यों भेजा? जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना को लेकर, अभी भी मचा हुआ है, और वैक्सीन को लेकर किस प्रकार वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है, उसमें कोऑपरेशन कैसे रहेगा, सभी देश मिलकर कैसे करेंगे, तो एक कोवैक्स फैसिलिटी WHO में बनाई गई और सभी देशों ने उसमें करार हस्ताक्षर किया, एक करार साइन किया कि ठीक है हम भी इसके हिस्से बनेंगे, रॉ मटेरियल इत्यादि हम लेंगे, बदले में हम अफोर्डेबल प्राइस में WHO के कोवैक्स फैसिलिटी को भी कुछ वैक्सीन सप्लाई करेंगे, जिसके बदले में WHO हमें लाइसेंस इत्यादि देगी, WHO रॉ मटेरियल के लिए हमें मदद करेगी। आज आप देखिए एस्ट्राजेनिका का जो हमें लाइसेंस मिला, जिसके एवज में आज कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें WHO कोवैक्स फैसिलिटी का भी एक बड़ा हाथ है। और चूंकि ये करार तमाम देशों ने हस्ताक्षरित किया था, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट विद WHO कोवैक्स फैसिलिटी, सो 30% ऑफ व्हाट वी कॉल एज एक्सपोर्ट वॉज सेंट एज अ कंपल्सरी आइटम टू WHO कोवैक्स फैसिलिटी। सो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया, वहां क्यों दे दिया। अगर हम ये नहीं करार करते तो कल को ये वैक्सीन की जो सुविधा हमें कोविशील्ड के रूप में भारत में मिली है वो नहीं मिलती। जो मैंने कॉमर्शियल सप्लाई, बुकिंग, एडवांस पेमेंट इत्यादि कहा था, उसमें दो पॉइंट में कहना चाहूंगा। 14% तथाकथित एक्सपोर्ट, क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं है, 14% जो वैक्सीन गया है वो यूनाइटेड किंगडम को गया है। यूनाइटेड किंगडम को क्यों गया है? आपको याद होगा ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कोविशील्ड का है, उसका लाइसेंस होल्डर ऑक्सफर्ड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। आपको एक विषय और भी मैं याद दिला दूं, बीच में जब एक करार हुआ था और एस्ट्राजेनिका ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पे कोविशील्ड को 50 लाख वैक्सीन प्रतिमाह हमें देना होगा यूके में, कोविशील्ड के निर्माता SII जो भारत में है, जो सब लाइसेंस होल्डर है, उन्होंने मना कर दिया था। इस पर आपको पता होगा एस्ट्राजेनिका ने कहा था कि हम लाइसेंस नहीं देंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। वो तो धन्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में बात किया और जिस प्रकार से यूके ने इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया, वो सब लाइसेंसिंग जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला और आज कोविशील्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यह कहना कि यूके को आपने क्यों दिया, उसका मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया। 12.5% अर्थात एक छोटा सा जो वैक्सीन का कैशमेंट है वो सऊदी अरब गया कॉमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से,
और पेमेंट के माध्यम से। और आपको पता होगा सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है वो काफी बड़े तादाद में रहते हैं, और उन सब को जो हमारे भारतीय भाई बहन सऊदी अरब में हैं उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही है। क्या हमारा ये जिम्मा नहीं है? हमने पेमेंट में दिया है, बुकिंग लेके इन दोनों कंपनियों ने दिया है, मगर जिस प्रकार का भ्रम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है कि मुफ्त में हिंदुस्तान की सरकार ने 6.5 करोड़ डोजेस जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए, वो बाहर भेज दिए, मुझे लगता है आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने आई है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग इन विषयों को समझते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आज के इस ग्लोबल विलेज में कोई भी देश एक द्वीप के रूप में, एक छोटे से आइलैंड के रूप में नहीं रह सकता है। इन दिस ग्लोबल एरिना, इन दिस ग्लोबल एरा, नो कंट्री कैन एग्जिस्ट एज एन आइलैंड इटसेल्फ। देयर हैज टू बी कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन एज वेल। ये एक विषय आपका एक्सपोर्ट को लेकर था। दूसरा विषय जो कुछ दिनों से जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर देती है, और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी 3 दिन से लोगों को ये बोल रहे हैं कि फॉर्मूला हमें दे दो, फॉर्मूला हमें दे दो। देखिए, ये जो आम जनता है इनको समझाने की आवश्यकता है। मैं बहुत साधारण शब्दों में और बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और ऐसा होने में अड़चन क्या है। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई साधारण सा विषय हो और इसका फॉर्मूला हो और आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने घर में वैक्सीन बना लिया, या कोई भी कंपनी अपने घर में वैक्सीन बना लेगी और उसका वितरण शुरू हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसके पीछे बहुत सारी विषय है जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। हमारे भारतवर्ष में 2 वैक्सीन है, जैसे आपको पता है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है, और दूसरा वैक्सीन कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक और जो इंडिजिनस हमारे देश का ही प्रोडक्ट है। अब आता है लाइसेंस और फॉर्मूला का। देखिए, कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है, कोविशील्ड के पास जो लाइसेंस है वो भारत का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, और पहले भी बताया था, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनिका के पास इसका लाइसेंस है, एस्ट्राजेनिका लाइसेंस होल्डिंग अथॉरिटी है। इन्होंने सब लाइसेंस किया है, जैसे हम घर को सबलेट करते हैं वैसे ही इन्होंने सब लाइसेंसिंग किसको किया है? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किया है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस लाइसेंस को किसी और कंपनी को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। उसका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एस्ट्राजेनिका के पास है, जो विदेशी कंपनी है, एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है। क्या इंडिया इस लाइसेंस को कभी भी प्रोक्योर कर सकती है, ला सकती है? ला सकती है। कैसे ला सकती है? अगर WHO में, अगर यूनाइटेड नेशन में हम जाएं, संयुक्त राष्ट्र में जाएं, एक ट्रिप्स की संधि होती है। ये संधि ट्रिप्स की जो होती है ये लाइसेंसिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर होती है। अगर इस ट्रिप्स के संधि में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाए और पूरा विश्व और संयुक्त राष्ट्र कहे कि जो देश इसमें सम्मिलित हैं वो तैयार हो जाएं कि हां हम तैयार हैं टू वेव ऑफ ट्रिप्स, चलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हम ये लाइसेंस देंगे, तो बिल्कुल हमारे देश में भी ये लाइसेंस आ सकता है। और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार जो हिंदुस्तान की सरकार है, ये दिन रात एक कर रही है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी कीमत पे ट्रिप्स का जो ये वेवर है, उस वेवर को हम कैसे लाए, कैसे ट्रिप्स को हम वेव ऑफ कर सके। साउथ अफ्रीका और इंडिया मिलकर लड़ रही है, ये सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, कृपया करके आप अखबार भी पढ़ें और हकीकत को जानें। अगर ट्रिप्स हट जाएगा तो हम लाइसेंस को, जो आप फॉर्मूला दे दीजिए कहते हैं, इस फॉर्मूला को SII दे सकेगी। अब रहा कोवैक्सीन, कोवैक्सीन के लिए कोई ट्रिप्स की आवश्यकता नहीं है, ये तो भारत बायोटेक जो है वो बनाती है, मतलब इंडिया की कंपनी है, लाइसेंस तो हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात है, ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है, तो क्या ICMR ये लाइसेंस दे सकती है? क्या हम इस फॉर्मूला को डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अड़चन कहां है? अड़चन यहां है कि देखिए, ये जो कोवैक्सीन है ये एक लिविंग वायरस को मार करके, उसके बाद में साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है।
उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है, और उसके सबसे लेवल हाई थर्ड लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है, और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको, भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ और एक बड़ा विषय हुआ है, यह हुआ है कि 3-4 जो पीएसयूज हैं, उन पीएसयूज को भी भारत सरकार और आईसीएमआर ने खास करके उनको कहा है कि आपको वैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। कौन सी ऐसी 3-4 जो पीएसयूज है, मैं उनका नाम लेता हूं, हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन। ये जो हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है, ये महाराष्ट्र की एक पीएसयू है, और इसको भी कहा गया है कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक हिस्सा है, और इसको भी भारत सरकार ने कहा है कि आप भी कोवैक्सीन बनाइए। साथ ही भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसको भी भारत की सरकार ने कहा है आप भी कोवैक्सीन बनाइए। और मैं एक प्रवक्ता के नाते कह सकता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं अभी कुछ बड़े अखबारों में 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, ये आधिकारिक नहीं है मगर सोर्सेस के माध्यम से, मैं फिर भी मैं एक आम व्यक्ति के नाते ये कहना चाहूंगा, सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपा है, आप पढ़ सकते हैं कि आईसीएमआर इज रेडी टू ऑफर कोवैक्सीन नो हाउ टू अदर फर्म्स। जो आईसीएमआर है, जिसके पास ये फॉर्मूला है, जो लाइसेंस है, ये आईसीएमआर कुछ फर्म्स के साथ बातचीत कर रही है कि आप चाहें तो आप हमसे ये फॉर्मूला लें, आप बनाएं। और ये सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपा है, मैं इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, मगर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, सारी कंपनियां हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा इस प्रकार का भ्रम कृपया करके मत फैलाइए। लोग रातों को सो नहीं रहे हैं, सारी इंस्टीट्यूट दिन रात लगी हुई है किस प्रकार से एक भी हिन्दुस्तानी को किसी प्रकार से आंच न आए, किस प्रकार से वैक्सीनेशन बढ़े, इसमें हर कोई लगा हुआ है। मैं सिर्फ इतना गुहार करूंगा, अरविंद जी, मनीष जी, वोट की राजनीति बाद में होती रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी, बट फॉर गॉड सेक लेट्स नॉट प्ले पॉलिटिक्स। भ्रम में नहीं, एक्सपोर्ट किया, अपने बच्चों को नहीं बचाया, ऐसा नहीं है, मैंने सब हकीकत रखा। फॉर्मूला हमें दे दीजिए, हमें फॉर्मूला नहीं, क्यों नहीं फॉर्मूला देंगे, क्या भारत सरकार नहीं चाहती अपने बच्चों को बचाना? फॉर्मूला का विषय मैंने आपके सामने रखा। और मनीष जी, आपने चंद मिनटों पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने कहा कि आपने तो ऑर्डर प्लेस किया, आप 4 दिन से कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया मगर भारत बायोटेक वालों ने आपको कोवैक्सीन नहीं दिया, कोविशील्ड वालों ने आपको कोविशील्ड नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। और आपने 3 दिन पहले यह भी कहा कि आपको केवल केंद्र सरकार ने, चिट्ठी भी दिखाया कि केंद्र सरकार ने मात्र 3.5 लाख वैक्सीन देने की बात कही। मैं आप ही द्वारा ट्वीट किए हुए 2 चिट्ठी लेकर बैठा हूं। इस चिट्ठी में जो 26 अप्रैल की है, दोनों चिट्ठियां 26 अप्रैल की है, आप देख सकते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था 26 अप्रैल को आके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हमने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आप इसमें सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एफोरसेड स्ट्रेटेजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 67,00,000 डोजेस ऑफ कोविशील्ड फॉर दिस पर्पस। और ये कोविशील्ड के लिए चिट्ठी लिखा था, और उसी दिन उन्होंने कोवैक्सीन वालों को चिट्ठी लिखा था और उसमें भी लिखा था प्लानिंग टू प्रोक्योर 67,00,000 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन। दोनों चिट्ठियों को मैं दिखा रहा हूं, कृपया करके देखिए, दोनों में लिखा हुआ है प्लानिंग टू प्रोक्योर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड प्लेसिंग। प्लानिंग टू प्रोक्योर इज नॉट इक्वल टू प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप प्लान कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैं भविष्य में ऑर्डर दूंगा, वो ऑर्डर देने के बराबर नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। और आज जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि भारत बायोटेक का एक चिट्ठी आया हुआ है, उस चिट्ठी में भारत बायोटेक खुद ही लिखती है, वी एक्नॉलेज विद थैंक्स रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 7 May 2021 रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन प्रोक्योरिंग। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया, और उसके बाद
आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को, और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा, हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं, मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है, जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। नेगोशिएशन में आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर कि हमें इतना वैक्सीन चाहिए और वो ऑर्डर इस प्रकार से है, इसका इतना अमाउंट हम पार्ट पेमेंट अभी करेंगे या फुल पेमेंट अभी करेंगे। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया। और अंत में आपने यह भी कहा कि आपको केवल 3.5 लाख वैक्सीन मिले थे, आपने चिट्ठी ट्वीट किया था, मैंने देखा था। मैं आपके ही दिल्ली कोविड वैक्सीनेशन बुलेटिन, कल का जो बुलेटिन है वो बुलेटिन दिखा रहा हूं, आप सब देख सकते हैं। उस बुलेटिन में लिखा हुआ है कोविड वैक्सीन स्टेट सप्लाई फॉर एज 18 to 44 ईयर्स, ये 18 से 44 ईयर्स के बीच का है। और वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख, मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, 2,67,690 डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन फॉर 18 to 44 ईयर्स कैटेगरी एक्सपेक्टेड टू अराइव बाई टूडे, मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन के तो यही यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं, और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की, तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई। तो ये इस प्रकार से देखिए, हम हिसाब किताब में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि प्लीज लेट्स नॉट हैव पॉलिटिक्स इन ऑल दिस। ये बहुत विश्व के लिए बहुत खराब समय है, और खराब समय में परिवार में लड़ाई नहीं, परिवार में एकाकी होनी चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, देखिए भारत सरकार 50% डोजेस मुफ्त दे रही है जो लोग 45 साल से ऊपर है। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, कोई कमी पहले तो थी नहीं, आज आप कमी करके बोल रहे हैं, चलिए आज आप कमी बोल रहे हैं, पहले तो कमी भी नहीं थी, आप बोल भी नहीं रहे थे। उस समय भी क्या कारण था कि जो हमारे फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे, मात्र फर्स्ट डोज 60% और सेकेंड डोज 45%। आप देखिए ये जो 60% ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड 45% ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर, केवल इन्हीं को सेकेंड डोज लगा है। क्यों? उनको तो 100% लगना चाहिए था, आपके इंटेंशंस अच्छे थे। उस समय तो वैक्सीन की कमी, उस समय क्या अभी भी इस कैटेगरी में तो आप खुद ही कह रहे हैं वैक्सीन की कमी नहीं है, ये तो आपके पास रखा हुआ है, एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। फिर ये केवल 60% और 45% क्यों है? काम करने की आवश्यकता है। अभी भी हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई है और कहा है कि कोविड फैसिलिटी बनाई है। मुझे लगता है कि जमीन पर उतर कर काम करने की आवश्यकता है। वी शुड नॉट बी बिजी इन पॉलिटिकल कुछ पॉइंट स्कोरिंग में हमें नहीं रहना चाहिए। और आज तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विषय को रखा है। अरविंद जी, आप इसको समझिए और कृपया करके भ्रम मत फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जी विकास जी, नमस्कार। देखिए विकास जी, वैक्सीन के फॉर्मूले को लेकर, वैक्सीन के लाइसेंसिंग को लेकर और वैक्सीन के कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर मैंने बहुत तथ्यात्मक तरीके से यहां विषय रखा। कोविशील्ड का जहां तक लाइसेंस है वो एस्ट्राजेनिका के पास है, विदेश में है, ट्रिप्स को वेव करना पड़ेगा, जिसके लिए यूएन में इंडिया लगी हुई है। जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, उसका बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता है। पैनेसिया कंपनी के साथ, हैफकिन के साथ, बाकी भी इंस्टीट्यूट मैंने जो पीएसयू दोनों और नाम लिए उनके साथ भारत सरकार ने ऑलरेडी उनको कहा है कि आप मैन्युफैक्चर करिए, उनको फॉर्मूला मिला हुआ है। मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में कौन सी ऐसी संस्था है जिसके पास बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 है, और जहां आप बना सकते हैं आप आईसीएमआर से लाइए और बनाइए, किसी ने मना नहीं किया है। दूसरी बात, आपने कहा ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का एकमात्र फॉर्मूला है, आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाइए, आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाइए, पीएसए लगाइए, आप क्रायोजेनिक टैंकर्स लीजिए, स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ाइए। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं किया। ना तो उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया, ना ही उन्होंने जो 12 पीएसए प्लांट लगने की बात हुई थी, जिसमें से 8 यहां लगनी थी दिल्ली में, उनमें से एक भी प्लांट, केवल एक लगी, वो भी अभी लगी है, बाकी के लिए जगह मुहैया नहीं कराया। क्रायोजेनिक टैंकर्स बाकी स्टेट ऑर्डर करके ले गए, मगर इनका क्रायोजेनिक टैंकर का ऑर्डर लास्ट में आया, उत्तर प्रदेश ने परचेस भी कर लिया है, ये केवल ऑर्डर कर रहे हैं, एक भी क्रायोजेनिक टैंक परचेस नहीं कर रहे हैं।
तो मुझे लगता, और दिल्ली दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने की बात इन्होंने आज से 5 दिन पहले की, पहले से ही स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए थी एंटिसिपेट करते हुए। तो मुझे लगता है जहां तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी को फॉर्मूला किसी का नहीं चाहिए, ना वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए ना उनको ऑक्सीजन का फॉर्मूला चाहिए, उनको केवल पॉलिटिकल रूप से रेलिवेंट रहने का फॉर्मूला चाहिए कि बस मेरी वाहवाही होते रहे, मैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में आता रहूं और मैं अपना सारा का सारा ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ दूं, उसका फॉर्मूला मुझे दे दो, यही फॉर्मूला उनको चाहिए। आशुतोष जी नमस्कार जी। देखिए, जहां तक वैक्सीन का एक्सपोर्ट करने का विषय है, बहुत स्पष्ट रूप से मैंने जो कहा था कि जो कॉमर्शियल लायबिलिटी है उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करके विदेश नहीं भेजती है, उसमें बुकिंग एडवांस में होती है, एडवांस पेमेंट कंपनीज को हुई है तो कंपनीज ने भेजी है, और कहां कहां भेजा है, कितना प्रतिशत भेजा है, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा। जहां तक एड का विषय है जिसमें लगभग 1 करोड़ बाहर गए हैं, मैंने इस पर कोई बातचीत तो नहीं की है, मगर कॉमन सेंस यही कहता है कि जो एड है वो भारत सरकार ने ही भेजा होगा और उसके पीछे का कारण भी मैंने समझाया है। तो स्वाभाविक है, केवल एक बहुत ही छोटा, मतलब 1 करोड़ से भी 1 करोड़ और बहुत कम अमाउंट जो है हमने एड के रूप में भेजा है और उसका कारण मैंने बताया, तो मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच। बैठिए बैठिए।